अस्सलामुअलैकुम। अबू फसी काज़मी लाज़म खुश आमदीद। आज आपको खजूर से ज़्यादा फल और गुठली वाला अच्छा फल लेने का तरीका बताते हैं। अब मार्च कमेट शुरू है तो खजूरों के ऊपर उनका फल निकलना, जिसे हम सिपी बोलते हैं, वो निकल रहे हैं। ये आदमी चढ़ रहा है ऊपर, ये जो खजूर का जो मादा सिपी है उसके अंदर ये नर सिपी का पाउडर और उसकी एक टहनी वो अंदर रखेगा, उससे क्रॉस पोलिनेशन होगी और बेहतरीन फल लगेगा। फल का साइज़ भी अच्छा होगा और फल के अंदर गुठली भी होगी, यानी फल खसी नहीं होगा, फल सेहतमंद बनेगा। इसका तरीका कार ये होता है कि ये देखें, ये पहले सफाई करेगा, जो पुरानी पिछले साल की शाखें हैं ये उनको यहाँ से उखाड़ रहा है, ये सफाई करेगा मुकम्मल इसकी। उसके ऊपर ये ऊपर जाकर हर हर जो सिपियाँ निकली हुई हैं उनको खोलेगा, खोल के उसके अंदर ये जो पाउडर है इसने अपने साथ रखा हुआ है, वो पाउडर भी है नर का, और नर की जो सिप्पी है वो भी इसके पास, उसने खोल के उसकी जो शाखें हैं छोटी छोटी वो भी इसने अपने पास रखी हुई हैं, वो उनके अंदर रख देगा तो ये पोलिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। सफाई हर साल खजूर की करनी पड़ती है। ये जाहिदी खजूर है मेरी, जाहिदी और खुदरावी, ये दो वैराइटीज़ हैं मेरे पास। इसकी हर साल सफाई करनी पड़ती है। एक तो इसका ये भी ख्याल करना होता है, बाज़ औक़ात इसी जगह पे सांप भी पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें खुद देखा है और मारे भी हैं। ये जगह महफूज होती है सांपों के लिए, सांप इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इस जगह पे मौजूद होते हैं, तो एक तो इसका ख्याल रखना है। ये देखें, ये अब अंदर पहुंच चुका है ऊपर चढ़ के। अब ये देखें, ये जो कांटे होते हैं छड़ी के साथ, ये उनकी सफाई कर रहा है ताकि आगे जा के बैठ सके और कांटों की वजह से उसे परेशानी ना हो। हम खजूर खाते हैं, हम तक पहुंचती है, ये देखें इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये नीचे पुरानी छड़ियाँ, उसका साइकिल भी खड़ा है। ये सफाई उसने अब कर ली है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक सिपी को खोलेगा और इसके पास ये नर का पाउडर है, ये देखें, ये अब इसने एक सिप को खींचा है, इसको खोल रहा है, ये देखें, ये अब खोल गई है। पहले ब्राउन कलर का सिपी होती है, उसके अंदर से ये देखें सफ़ेद सफ़ेद इसकी टहन निकल आई, ये देखें, ये दिखा रहा है ये नर का पाउडर और उसकी टहनी, नर की टहनी, ये अब इसके अंदर रखेगा। ये दूसरी सिपी खोल रहा है, जो ब्राउन ब्राउन निकली होती है उसको हाथ से खोल लें, फाड़ दें तो अंदर से जो खजूरों को जैसे खोशा होता है वो निकल आता है। उसके अंदर ये अब इसने नर का पाउडर एक इसमें रख दिया है, एक टहनी, एक टहनी अब ये ऊपर चढ़ के रखेगा। ये देखें कितना मुश्किल काम होता है, एक एक खजूर को तीन बार चढ़ना पड़ता है। एक दफ़ा अब दे रहा है, 10-12 दिन बाद जो नीचे और निकल रही हैं उनको देगा, फिर उसके बाद आखिर में 2-3 निकलती हैं, फिर जाके उनको जाके बुरा देगा। ये देखें, ये उसके अंदर उसने रख दिया, अब ये इसकी पोलिनेशन मुकम्मल हो गई है। बाकी जो काम है वो शहद की मक्खियाँ करेंगी, शहद की मक्खियाँ आएंगी इसके ऊपर बैठेंगी, जो नर फूल की टहनी इन्होंने अंदर रखी है उसके ऊपर बैठेंगी, पाउडर उनके पाँव के साथ चिमट जाएगा, परों के साथ चिमट जाएगा, फिर वो जब मादा खजूर की जो टहनी है उसके ऊपर बैठेगी शहद की मक्खी अपना रस हासिल करने के लिए, तो वहाँ इसका पाउडर मुंतकिल हो जाएगा।
ये इस तरह इसको पोलिनेशन करवाई जाती है मादा खजूर की। इसकी निशानी ये होती है कि जब हम खजूर हमारे पास तैयार होती है तो उसके अंदर अगर गुठली ना हो तो ये आप समझ लें कि इसे नर पाउडर नहीं दिया गया। बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि हमारी खजूर ने फल निकाला हुआ है तो इसके साथ क्या करना है, तो उसको यही पाउडर लगाना होता है। चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।